आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब भी हमारे मोबाइल फोन पे इनकमिंग कॉल आता है तो रिंगटोन की साउंड की आवाज तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ना ये फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर सर्च बार पर टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है, नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको नीचे की साइड ये सिक्योरिटी अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में कॉलिंग का ऐप है, इस कॉलिंग के आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका छोटा सा पेज आता है, इसमें ऐप इन्फो पे टैप करना है, ठीक है। अब देखिए ऐप इन्फो का ये पेज आता है, इसमें आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहाँ पर भी आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको है ना ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जितना भी डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने मोबाइल फोन में, ठीक है। और ये दूसरी बात ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसके पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, लिख के रखना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।